महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को, जिनके नेतृत्व में यह देश और खास करके कौशल विकास के मामले में जो उन्होंने मंत्रालय का गठन करके एक युवा ऐसे मंत्री के कंधे पर यह भार दिया है और देश में ये विकास का काम बढ़ रहा है, कौशल विकास का काम। मेरा कुछ महत्वपूर्ण सुझाव इस मुद्दे पर है और मैं चाहूँगा कि आज जो भी काम हो रहे हैं, बहुत मेहनत हो रहा है, कौशल विकास के 2 वर्षों में काम बढ़े हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ जो प्रैक्टिकल अनुभव मुझे क्षेत्र में भ्रमण के दौरान मिला है उसके बारे में मैं उस अनुभव को शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ। महोदय, मैं चाहता हूँ कि आज जिस प्रकार से 1200 रुपया प्रत्येक व्यक्ति से वो असिस्टेंस फी लिया जाता है, एसएससी वो परीक्षा में पास करेंगे फेल करेंगे जो भी होगा उनके लिए वो 1200 रुपया लेते हैं रजिस्ट्रेशन फी, वो किसी भी हालत में उसको निःशुल्क किया जाए। गांव में गरीब लोग 1200 रुपया दे नहीं सकते, 1200 रुपया दे करके वो कभी भी पढ़ने नहीं आते, बहुत कम लोग आते हैं और यही कारण कि जो आपकी उम्मीद है उम्मीद से बहुत कम हो रहा है। मैं चाहूँगा कि 1200 रुपया वो गरीबों के लिए, चूँकि 8वीं पास और जो लोग भी हैं वो कम स्किल के लोग हैं, बहुत कम पढ़े लिखे लोग हैं, इसलिए 1200 रुपया उसको मुफ्त शिक्षा देनी चाहिए कौशल विकास की, और निःशुल्क हो तो अच्छा है, अन्यथा बहुत ज़्यादा हो तो उसके साइकोलॉजिकल 100 रुपया आप कर दीजिए एक नॉमिनल फी। मुझे लगता है उसी प्रकार से दूसरा मेरा आग्रह है कि इसके लिए जो आपने विशेष करके नौकरी की बात कहा है, अब वो लड़के रोजगार परक आपने शिक्षा दे रहे हैं, आप उसको कौशल विकास युक्त कर रहे हैं, तो उसके लिए मुझे आग्रह है, मेरा आग्रह है कि जो सरकारी संस्थान या औद्योगिक जो भी निजी प्राइवेट जो भी इस प्रकार के संस्थान हैं उन संस्थानों में जो उनके रोजगार के सृजन की जो व्यवस्था हो सकती है उस रोजगार के सृजन के लिए उनके कौशल के आधार पर एक रजिस्ट्रेशन NCDC जो उनका हुनर के संदर्भ में एक उसकी सूची बनाए और उनकी नियुक्ति उसी आधार पर उन संस्थानों में किया जाए, इसके लिए जिला प्रशासन का भी सहयोग लें। ये दूसरा, तीसरा एक हमारा आग्रह है कि जो अभी आपने ट्रेनिंग पार्टनर और ट्रेनिंग सेंटर, इसके बीच में कोई सेतु नहीं है। ट्रेनिंग पार्टनर और ट्रेनिंग सेंटर किसी को भी आप किसी राज्य के दूसरे राज्यों में भेज देते हैं, उनको कोई अनुभव नहीं होता और वो जिस प्रकार से स्किल होना चाहिए उसका मॉनिटरिंग ठीक से नहीं हो पाता है। मेरा आग्रह है कि वहाँ स्टेट के ही किसी एक व्यक्ति को, भले आप ट्रेनिंग पार्टनर को ये छूट दीजिए, वो कोई ना कोई एक स्टेट कोऑर्डिनेटर नियुक्त करे और स्टेट कोऑर्डिनेटर को कुछ आप भी उसको सुविधायुक्त बनाएं। और अंत में मेरा एक आग्रह है कि आप जो परीक्षा देने जाते हैं वो टैब के द्वारा कंप्यूटर के द्वारा परीक्षा देते हैं, अब वो 8वीं फेल लड़का वो कहाँ से टैब चलाएगा, वो आप कंप्यूटर टैब लेकर के जाते हैं, उसको कागज पे परीक्षा करवाइए ताकि वो परीक्षा देने के लिए उत्सुक हो। और अंतिम में एक बात मेरा ये कहना है कि जो आपने बच्चों को रिवार्ड देने की बात है, जो आप 1000, 10000 या 8000 देते हैं वो बच्चों को रिवार्ड के रूप में बच्चों के अकाउंट में जाता है, गाँव में मार हो रही है, कई जगह लाठियां चल जाती है, मैं आपको प्रैक्टिकल अनुभव बता रहा हूँ, वो बच्चों का अकाउंट नहीं खोलना चाहते और कई जगह वो मार खा रहे हैं ट्रेनिंग सेंटर वाले। मैं आग्रह करूंगा कि आप उस अवार्ड को आप पूरी तरह से ट्रेनिंग पार्टनर को ही दे दीजिए और वो उसकी व्यवस्था समुचित रूप से करें। बहुत बहुत धन्यवाद।